नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। यूक्रेन के मैरियुपोल पर रूसी बमबारी से अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने बताया कि हालत इतनी ज्यादा खराब होते जा रही है कि लोग 0 डिग्री से नीचे तापमान में रहने को मजबूर हैं। बिना पानी, बिजली, गैस और दवाई किसी तरह युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। रूस के सैनिकों ने मैरियुपोल पर ताबड़तोड़ बमबारी से हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेनाओं ने मैरियुपोल के मुख्य अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। अस्पताल में मौजूद करीब 400 से ज्यादा मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बना लिया गया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरीना ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें बताया कि मंगलवार रात से अस्पताल पर रूसी सेनाओं का कब्जा है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिक अस्पताल में मौजूद लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में मौजूद टैंकों से रूसी फौजों ने गोलाबारी भी की है। लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। यूक्रेन छोड़ने वाले नागरिकों ने रशियन बर्बरता की दास्तां बयां करते हुए कहा कि उन्होंने 60 लोगों के साथ एक बेसमेंट में 2 हफ्ते शरण ली। रूसी प्लेन बहुत नीचे उड़ रहे थे, हमले का डर सता रहा था, इसलिए कई बार रुकना और बच्चों को छिपाना पड़ा। करीब 17 लोगों को अपने घर में पनाह दी, बारिश का पानी एकत्र कर सूप पकाया। मैं शहर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब 24 घंटे बमबारी हुई तो मुश्किल हो गया। ये सब सुनकर आपका दिल भी दहल गया होगा। तो सोचिए कैसे होंगे वो लोग जो पिछले 3 हफ्ते से इस भयावहता का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट, जनसंदेश टाइम्स।